जैसे टुनटुन यादव हो गया मोनू अलबेला हो गया ये सब सिंगरों से मुझे बहुत नफरत आता है अभी आप शब्द नहीं बोलना चाहते पर जो है ना पब्लिक भी करती है टुनटुन यादव के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है एक कैफे में गया मैंने बोला एक भोजपुरी गाना लगाना बोला भोजपुरी नहीं लगता है मतलब क्लासिकल कैफे में वो बोला की एक गाना लग सकता है पवन सिंह का लॉलीपॉप लागे हरी झंडी दिखाने से भोजपुरी सही हो जाएगा सही हो जाएगा मेरे के मैं भी दो चार गाना देखूंगा होगा मैं भी क्या करूंगा जो सब झूल रहे पकड़ के मैं भी झूलूंगा वही आपका हो ही रहा है सारा गाना जितना बढ़कर आ रहा है जितना आप शब्द गाना आ रहा है सारा भोजपुरी में नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए गायक हैं जिनका नाम है साजन पांडे इनके साथ आइए आज चर्चा करते हैं नमस्कार साजन जी नमस्कार सर आपको भी और चर्चा न्यूज को जितने दर्शक देख रहे हैं तहे दिन से धन्यवाद साजन भाई मेरा पहला प्रश्न ये की कि आपको किसी और नाम से भी बुलाते हैं चिंटू पांडे क्या वजह रही कि आपने चिंटू को हटा के वहां पे साजन रख दिया कारण क्या है कारण ये है सर एक्चुअली uh, मेरा पहला जो गाना आया था व्यू uh, कंपनी से चिंटू पांडे के ही नाम से आया था बट hmm. uh, uh, एक इसमें अभी ऑलरेडी uh, एक चिंटू पांडे थे प्रदीप पांडे जी hmm. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कल के लिए अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ hmm. तो एक नहीं होता है कि एक मैया में दो तलवार कौन सा चिंटू वो चिंटू की है चिंटू hmm. मेरा नाम रियल नाम तो चिंटू पांडे ही था hmm. कागज वागज में जो भी है सर्टिफिकेट में मेरा चिंटू पांडे ही है पर मुझे लगा कि अगर कल के लिए क्लिक किया मैं तो यही होगा कि उनका नाम लेकर हिट होने कोशिश की कोशिश हाँ। तो इसीलिए मैं अपना नाम चेंज करके भोजपुरी में देखा कि कौन इस नाम से नहीं है तो मुझे लगा साजन पांडे के नाम से कोई नहीं था सिंगर मैं अपने खुद का नाम इसमें मैं ताकि आपको कोई ब्लेम ना करे फ्यूचर में कि आपने किसी के नाम से ये शोहरत पाई है बल्कि अपने मेहनत से पाई है इसलिए चिंटू को हटा के साजन पांडे कर दिया ये रही बात यस अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं या अभी कोई प्रोजेक्ट आपका नया आया है अभी जो फिलहाल मेरा गाना आया था पतली कमरिया हाय हाय वो मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहता हूँ ठीक है बताइए भैया हर चीज नमूना तू लागो विदेशी तोहरा जवानी में गर्मी बाबेसी बेसी और हमनी के देखी काहे कह देलू बाए बाए लड़की का आ पतली कमरिया मोरी हाय हाय अति नजरिया तोरी हाय हाय आ पतली कमरिया तोरी हाय हाय अति नजरिया तोरी हाय हाय ओ बाड़ू नमूना लगाव जनी चूना ओ शरीरिए में नहीं लग देव ऐसा ही कुछ है ये गाना लाइव भोजपुरी से रिलीज सर, सर। इसके भी डायरेक्टर मास्टर अटल है हाँ अटल सर है और कौन कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाला है एक अभी मैं फिलहाल में एक गाना लिखा हूं सर कभी-कभी राइटिंग हल्का-फुल्का कर देता हूं तो सोचा कि कुछ अच्छा गाना एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक गाना मेरा कल परसों में आने वाला है तो मैं वो गुनगुना सकता हूं हाँ जरूर गुनगुना सकता हूं इसे लिखा हूं कि रोजो बड़हल जाता रे पलाई की नैखियो बसेप कि रोजो बड़हल जात रे पलाई की नैखियो बसेप क्योंन करे लुटल जात रोजो ई अरे सऊदी ना वाला लाई कानून जी आ तबे तो बच्चे बेटी के ही जातिया ये तो अच्छा गाना आपका सामाजिक चेतना है लेकिन भोजपुरी हाँ। में कुछ ऐसे भी लोग हैं हाँ। जो तरह तरह के गाने गा रहे हैं कि ताबीज बना दी ओझा जी दू इन सैया के बढ़ जाए पता नहीं क्या क्या आपको लगता है कि उस गाने के साथ आपके ये गाने दौड़ पाएंगे जहाँ तक है कि आप अश्लीलता की बात है सर हम काफी बीस से पच्चीस गाना अभी तक गाए हैं अभी अच्छा गाना है और मैं देखा हूं कि कुछ आ, मतलब बलगर हल्का हल्का सा के थोड़ा सा नॉनवेज टाइप का करता हूं ना तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है अभी हाँ पंद्रह दिन पहले गाना आया था सैया के खाड़ है। टाइटिल है, गाना अच्छा है। वो गाना अभी पॉपुलर पे चल रहा है अच्छा हाँ मैं ये बोल रहा हूँ मेरी कभी भी आत्मा गवाही नहीं देगी कि मैं एक बलगर करू क्योंकि कहीं ना हमारे जब फादर या मम्मी की हमारा बेटा सिंगर है लोग सर्च करेंगे तो कुछ अच्छा गाना आए कुछ यूनिक सॉन्ग आए ना तो बीस लोग फैमिली में लोग हमारे यूनिक अच्छी फैमिली है अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ तो सुने तो बीस लोग सुने नहीं की बीस लोग सुन रहे हैं तो उसमें से जो कोई एजेंट चला जाए आगे की शर्म के मारे मैं कभी नहीं सोचा हूँ आगे भी हमारा आ, हार थक के मैं कुछ भी बलगर भी गाऊंगा मेरे दिल से आत्मा रोएगी हम नहीं चाहते हैं कि आ, गाना करूं अच्छा करूँ अभी हमने शूट लगाए थे सारा पर्सनल मतलब इतना अच्छा किए थे रेस्टोरेंट में आ, प, मतलब, कौन सा गाना था अभी जो गाना पतली अच्छा, जो भी... और जो भी करूंगा, अभी मैं कर्नाट प्लेस में लोग तो वलगर गाते तो अच्छा अच्छा हैं तो क्या आप वलगर गाएंगे या नहीं अभी फिलहाल में तो मेरा कोई इरादा नहीं रहेगा जैसे चल रहा है मैं चलाऊंगा मगर अभी भोजपुरी मुझे लग रहा है कि काफी सुधर चुकी थी बीच में फिर ट्रेंड हो गया दो चार गाना हाँ। आए बकिर मुझे लगता है आपको का... क्या लगता है कि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा भोजपुरी में गंध कौन से सिंगर मचा रहे हैं अभी तक मुझे लगता है कि देखिए जो जाति बात पे गाता है जैसे टुन यादव हो गया मोनू अलबेला हो गया ये सब सिंगरों से मुझे बहुत नफरत है हाँ बहुत ही ज्यादा नफरत है मैं भी हूँ पांडे हूँ तो मैं भी बोल दू की पांडे पे गाना गाने लगू वो अहिर है तो अहिर पे गाना गा लो दूसरा जाति है दूसरे जात पे बात कभी भी जो फैला रहा है ना उस मैं अभी आप शब्द नहीं बोलना चाहता लोग तो कहते हैं

काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा यही गाके। है यही गा के ये देखिए ये पब्लिक की गलती है थोड़ा चुथियापा जो है ना पब्लिक भी करती है हाँ ये इनको पब्लिक को अच्छा सुनना चाहिए बहुत अच्छे सिंगर हैं जो अच्छे गाते हैं उनका विवरण नहीं आ रहा है तो मुझे लग रहा है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो जात जातवाद पे गाना गा रहा है उनको आप उनके सब्सक्राइबर कौन सब्सक्राइबर करिए उनको सुनिए ही मत चाहे कोई भी हो मैं हूँ जातवाद पे गाना गा रहा हूँ देखिए मेरे आ, हरी झंडी दिखाने से कि भोजपुरी सही हो जाएगा सही हो जाएगा मेरे के मैं भी दो चार गाना देखूंगा न इट होगा मैं भी क्या करूंगा जो सब झूल रहे पकड़ के मैं भी झूलूंगा वही हाँ तो चार गाना गाना आप भी जाति पे गाएंगे वर्गर गाएंगे नहीं मैं कोशिश करूंगा हंड्रेड परसेंट अभी तक नहीं हूँ और आगे भी नहीं रहूंगा बाकी जब सब यही करेंगे जब सब जब बलगर ही गाएंगे सब यही करेंगे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी सुधार होगी भोजपुरी में जैसे ट्रेंड कर रहा है बीच में आता है दो चार गाना क्लिक किया तो लोग देखे की बलगर गाना क्लिक किया है हम इस पे बलगर करेंगे मेरा गाना क्लिक कर जाएगा आपका हो ही रहा है सारा गाना जितना बलगर आ रहा है जितना आप सब गाना आ रहा है सारा भोजपुरी में अगर अगर आप कहीं जा रहे हैं क्लासिकल जगह वहां पर आप क्यों नहीं भोजपुरी सुन सकते हम ही कल हमने एक कैफे में गया मैंने बोला एक भोजपुरी गाना लगाना बोला भोजपुरी नहीं लगता है मतलब क्लासिकल कैफे में वो बोला कि एक गाना लग सकता है

बिल्कुल जरूर मेरा यही योगदान रहेगा और मैं आगे से भी कभी भी अगर मेरा अगर कुछ गाता भी हूँ तो मेरी अंदर की आत्मा नहीं कहेगी अगर बलगर रहेगा तो कहीं मैं दिखाऊँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए इनके विचार तो अच्छे हैं लेकिन देखिए कब तक ये अपने फैसले पे अडिक रहते हैं क्योंकि सिंगर हो या गीतकार हो या फिर कोई कंपनी का ओनर हो अगर उसे रिस्पांस नहीं आएगा उससे उसकी जीविका नहीं चलेगी क्योंकि इनका यही व्यवसाय है यही इनका जॉब है ये कमाते हैं कहीं और बाहर नहीं बाहर से तो कोई पेमेंट आएगी यही कमाएंगे यूट्यूब से पैसे आएंगे इनका जीवन चलेगा तो अगर ऐसे लोग आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये भी जाति पे गाने गाएंगे ये भी क्या बोलते हैं अश्लील गाने गाएंगे और फिर आपको सुनने पड़ेंगे फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं है बाकी आप खुद दिमाग है आपके पास किसे सपोर्ट करना है किसे नहीं करना है आप अच्छी तरीके जानते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशा करता हूं कि आपको ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी आपकी अच्छी चीजों को दर्शक सपोर्ट करेंगे और अभी जो आप बता रहे हैं कि आपका हाल फिलहाल में लाइव भोजपुरी ऑफिशियल से गाना आया है पतली कमरिया हाय हाय लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे फिर भी एक बार जनता से क्या कहना चाहेंगे आप मैं उसमें यही बोलूंगा कि जो भी है अपना निगेटिव पॉजिटिव आप लोग कमेंट में जाके एक आप बताइए कि कैसा है आप कैसा चाहिए आपको हाँ अगर आपको न, अगर आप कुछ अलग चाहिए कुछ हट के चाहिए तो मैं भी वो भी उसी के लिए भी तैयार हूँ जैसा आपको चाहिए आपको ऐसा मिलेगा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद भाई धन्यवाद आपको सर और चर्चा न्यूज़ के तमाम दर्शकों को धन्यवाद